भाई लोग कैसे हो गाइज, आज हम एडिट करने वाले गणेश चतुर्थी स्पेशल फोटो एडिटिंग। सो गाइज, ये एडिटिंग पिक्सआर्ट एप्लीकेशन में होने वाली है। मैं चाहता हूँ गणेश चतुर्थी स्पेशल फोटो एडिटिंग में आप लोग सभी लोग गणेश पूजा में एडिट कर पाएँ, इसीलिए मैंने आप लोगों के लिए सिंपल सा एडिटिंग लेकर आया है और बहुत ही शानदार सी एडिटिंग है। सो गाइज, आप लोग भी इस तरह की एडिटिंग कर सकते हो। सो गाइज, बहुत ही सिंपल सा स्टेप मैंने आप लोगों के लिए लेकर आया है। ओके सो गाइज, कुछ इस तरह की एडिटिंग हम लोग के लिए कर रखा है, जैसे कि परफेक्ट ब्लर मार रखा है। ओके सो गाइज, अगर आप चैनल पर नए हो तो गाइज चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन पे ऑल पे प्रेस कर दो, ताकि आप लोगों के पास नोटिफिकेशन जा पाए, आप लोग एडिटिंग सीख पाएंगे। सो गाइज, सबसे पहले आप लोगों के बैकग्राउंड को ओपन कर देना है पिक्सआर्ट में, और पोज कुछ इस तरह के आप लोग को मारना है। गाइज, इस तरह के पोज मारेंगे तो तभी आप लोग की एडिटिंग परफेक्ट हो पाएगी। और याद रखिएगा गाइज, आप लोग को ब्लैक शर्ट पहनकर ही पोज मारिएगा, तो आप लोगों की शर्ट में एक स्पेशल इफेक्ट आएगा, तो मैं इस इफेक्ट को आप लोगों के डालने का सिखा दूंगा। सो गाइज, चले चलते हुए बैकग्राउंड को इरेज करते हैं। सो गाइज, बैकग्राउंड इरेज करना बहुत ही आसान है। अगर आपको बैकग्राउंड इरेज करना नहीं पता तो गाइज, मैंने डिस्क्रिप्शन में एक लिंक डाल रखा है, हेल्पफुल सेक्शन में आप लोग जाकर देख सकते हो किसे बैकग्राउंड को इरेज करते हैं। सो गाइज, मैंने यहाँ से पिक्सआर्ट से बैकग्राउंड इरेज कर रहा हूँ, तो यहाँ से आप लोग पिक्सआर्ट से चाहो तो कर सकते हो, नहीं तो डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक डाल रखा है, वहाँ से जाके सीख सकते हो कि कैसे HD क्वालिटी में भी बैकग्राउंड को इरेज की जाती है। सो गाइज, मैं यहाँ से फटाक से बैकग्राउंड को इरेज कर देता हूँ और मिलता हूँ आप लोगों को बैकग्राउंड इरेज करने के बाद। और यहाँ से देखिए, बहुत ही पिक्सआर्ट में इरेज करना बहुत ही आसान है। आप लोग टाइम देकर धीरे धीरे से बैकग्राउंड को इरेजिंग करेंगे तो आप लोगों की पिक्सआर्ट में बैकग्राउंड इरेज हो जाएगी गाइस। ओके सो गाइस, जैसे कि मैंने यहाँ से बैकग्राउंड इरेज हो चुका है गाइस, मैं यहाँ से मॉडल को सेट करूँगा, मॉडल को परफेक्टली सेट करने वाला हूँ यहाँ से कुछ इस तरीके से। गाइस, आप लोगों भी इस तरीके से मॉडल को सेट कर सकते हो, जैसे कि गणपति बापा पीछे हमारे हैं और हम लोग उनका यहाँ से स्वागत कर रहे हैं कुछ इस तरीके से। और गाइस, सिंपली आप लोग के एक पट्टी के PNG आप लोग को मिल जाएगी, PNG को आप लोग को इसे सेट करना है माथे पर। ओके, कुछ इस तरीके से आप लोग को PNG को सेट करना है और हल्का सा इरेज कर देना है और थोड़ा सा यहाँ से इरेज कर देना है, जैसे कि परफेक्ट लुक दे पाए PNG। ओके सो गाइस, PNG को परफेक्ट लुक देने के बाद सिंपली आप लोग को PNG को थोड़ा सा रोटेट कर देना है गाइस, यहाँ से हल्का सा आप लोगों की फेस की इल्यूजन से आप लोग रोटेट करिएगा, आपकी मॉडल के हिसाब से आप परफेक्टली एडजस्ट कर लीजिए। उसके बाद हम लोग तिलक PNG को लेकर आएंगे, हम लोग कुछ इस तरीके से सेट करेंगे PNG को, जैसे कि हम लोग गणपति बप्पा की स्वागत कर रहे हैं इस तरीके से, और बहुत ही बेहतरीन तरीके से आप लोग की एडिटिंग हो गई है। ओके सो गाइस, सिंपली आप लोग को और एक ब्लर PNG लेकर आना है, यही PNG आप लोग की फ़ोटो एडिटिंग को बहुत ही परफेक्ट बना देगा। और यहाँ से सिंपली आप लोग को ब्लर PNG को सेट करना है कुछ इस तरीके से, और उसके बाद लेयर पर क्लिक करना है और मूव डाउन कर देना है, यहाँ से मूव डाउन आपको मिलेगा, मूव डाउन। सो गाइस, सिंपली आपको मूव डाउन कर देना है और ये पीछे चला जाएगा। और उसके बाद सिंपली आप लोग को क्या करना है, सिंपली ये वाली PNG पीछे जाने के बाद हल्का सा इसे नीचे ले आना है, ये वाले PNG को। ओके, और उसके बाद हम लोग को ये वाला जो PNG ऐड करेंगे, जैसे कि स्मोक वाला PNG, इसको ब्लेंड ऑप्शन पर जाके मल्टीप्लाई कर देना, ये इफेक्ट बिल्कुल ट्रांसपेरेंट हो जाएगी। और सिंपली आप लोग को इसे रोटेट कर देना है कुछ इस तरीके से, रोटेट करने के बाद सिंपली आप लोग को इस तरीके से रख देना है, रख देने के बाद बहुत ही शानदार बना देगा आप लोग के फ़ोटो को। और हल्का सा इरेजिंग करना है हार्डनेस को 0% रख कर। ओके, उसके बाद फिर से हम लोग ऐड करेंगे एक और एक PNG जो बोलते हैं ब्लर PNG, इस वाले ब्लर PNG को इसे रखेंगे। और गाइस, ब्लर PNG को एडजस्ट करने के बाद ब्लर को परफेक्टली आप लोग को सेट करना है। ओके, जैसे कि मैं यहाँ से सेट कर रहा हूँ, तो गाइस आप लोगों की एक क्रिएटिविटी लगेगी कि आप लोगों के कुछ इस तरीके का कॉन्सेप्ट क्रिएट कर रखा है। ओके सो गाइस, सिंपली हम लोग ब्लर को सेट कर लेते हैं, उसके बाद हम लोग को मैं आपको बताता हूँ कि स्पेशल इफेक्ट आपको डालना है, तभी आप लोग की एडिटिंग परफेक्ट हो पाएगी गाइस। सो गाइस, सिंपली आप लोगों को क्या करना है, यहाँ से पिक्सआर्ट में फ़ोटो को सेव कर देना है, और गाइस सिंपली हम लोग डाउनलोड पर क्लिक करके फ़ोटो को सेव कर देंगे पिक्सआर्ट से, और पिक्सआर्ट से हमारा काम हो चुका है। और सिंपली आप लोग फ़ोटो को लेकर जाएंगे स्नैपशीट में, और पेंसिल वाला आइकन पर क्लिक करेंगे, सिलेक्टिव पर क्लिक करेंगे, और आप लोग कोई शर्ट हो जो ब्लैक शर्ट पहन चुके हो उसकी शर्ट को आप लोग को इस तरीके से सिलेक्ट कर लेंगे गाइस।
सिलेक्ट कर लीजिए के बाद स्ट्रक्चर को फुल कर देना है गाइस। यहाँ से आप देख सकते हो मैंने स्ट्रक्चर को फुल कर दिया हूँ गाइस। इसके लिए आप लोग को क्या करना है, यहाँ से एक व्यू एडिट स्टॉक मिलेगा, आप व्यू एडिट पर क्लिक करिएगा और उसके बाद सिंपली आपको थ्री डॉट मिलेगा, थ्री डॉट पर क्लिक कर लीजिएगा और यहाँ से कॉपी ऑप्शन मिलेगा, कॉपी ऑप्शन पर क्लिक कर लीजिएगा और फिर से आप लोग को थ्री डॉट करना है और इंसर्ट कर देना है। इंसर्ट कर देंगे तो आप देख सकते हो आपकी शार्ट में एक स्पेशियल इफेक्ट आ गई है, बहुत ही ऑसम सी बना देती है आप लोग की फोटो को। और गैस ये वाली एडिटिंग आप लोग कर सकते हो, बहुत ही आसान है। और आप लोग की मैं यहाँ से लाइट इफेक्ट जो ब्राइटनेस वगैरह आप एडजस्ट कर सकते हो सिलेक्ट टिप का यूज़ करके। और ये वाली इफेक्ट आप लोगों की कैसी लगी, बहुत ही शानदार लुक दे रही है फोटो को, जैसे कि सीबी वाली इफेक्ट। सो गैस मैं आपको बिफोर आफ्टर करके दिखा देता हूँ, ये बिफोर एंड आफ्टर और बहुत ही ऑसम सी इफेक्ट आ गई है। सो गैस मिलते हैं अगले वीडियो में। We'll be right back.